हेलो दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सकती है। अगर आप लोगों ने एक से ज्यादा कंपनियां चेंज की है और आप अपना पीएफ और अपना पेंशन निकालना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आप प्रोसेस को समझ पाओगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे यूजफुल और पीएफ के रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएफ और पेंशन के रिलेटेड। हमारे पास एक सवाल आया था जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूं। इस मेंबर ने 3 कंपनियां चेंज की थी और ये पिछली कंपनी का पीएफ फुल और फाइनल निकालना चाहता था। हमारे पास एक नया अपडेट आया था जिसमें यही चीज बताई गई थी कि अगर आप पिछली कंपनी का पीएफ निकालना चाहते हो तो उसमें आपको 31 का फॉर्म भरना होगा। हाँ, तो यही एक जनरल तरीका था पीएफ निकालने का। अगर आप अपना पीएफ और अपना पेंशन निकालना चाहते हो, अगर आप लोगों ने कंपनियां चेंज की है, तो इसमें मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि आप पीएफ और पेंशन कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको पिछली कंपनी का पीएफ निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक 31 का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी के माध्यम से आप अपना पीएफ निकाल सकते हो। तो उसकी भी कुछ लिमिट दी गई है, उसमें सिर्फ 7,000 ही आप निकाल सकते हो। तो अगर आप पूरा पीएफ फाइनल निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो जो आपका पिछली 3 कंपनियों का या एक कंपनी का जो पीएफ है जो निकालना चाहते हो, वो आप पिछली मेंबर आईडी है वो अगले आईडी में आप ऐड करोगे, तो उसके माध्यम से आप जो आपकी पिछली मेंबर आईडी मिली है वो आईडी आपको अगले आईडी में ऐड करनी पड़ेगी। तो कंपनी में रिजाइन देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फुल और फाइनल पीएफ निकाल सकते हो। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपना पीएफ निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको 31 का फॉर्म भरना पड़ेगा और 7,000 की लिमिट रहती है, और इस तरीके से आप अपने पीएफ को निकाल सकते हो। दोस्तों, हम आज बात करेंगे अगर आप पिछले अकाउंट से अपना पैसे को थोड़ा सा निकाल लिया हुआ है और जो आपका जो बाकी पैसा बचा है और वो आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, तो उसका भी एक जनरल तरीका है। जैसे कि आप अगर पिछली आईडी का जो आपका जो पैसा है वो आप डायरेक्टली पूरा निकालना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर जो पिछली आईडी का जो पैसा है वो आपको डायरेक्टली लेटेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको फुल एंड फाइनल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली 3 कंपनी में काम कर चुके हैं और आप 4th कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं और आपको डायरेक्टली जो पिछली 3 कंपनी का जो पैसा है वो पूरा डायरेक्टली निकालना चाहते हो, उसका एक जनरल तरीका है। अगर आप 4th कंपनी में जब ज्वाइन करो के बाद जब आप 4th कंपनी में रिजाइन दोगे और जो पिछली 3 कंपनी का जो पैसा है वो डायरेक्टली आपको उस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो पिछली 3 कंपनियों का जो पैसा है या एक कंपनी का पैसा है या 2 कंपनियों का पैसा है वो सारा डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो यही था एक जनरल तरीका, इस तरीके से आप अपना पेंशन और अपना पीएफ को डायरेक्टली फुल एंड फाइनल निकाल सकते। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे पीएफ के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।